नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप खुद से अपना मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं, यह स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक एक स्टॉक हर सेक्टर से लेंगे। आप किसी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसके दो तीन स्टॉक ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार से ज़्यादा स्टॉक आपको नहीं लेना चाहिए किसी भी सेक्टर से, हर सेक्टर से, लेकिन एक स्टॉक ज़रूर लें। हो तो दो दो स्टॉक हर सेक्टर से लें। और पोर्टफोलियो में जो है 30 से 40 स्टॉक से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 हो, उससे ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो 40 स्टॉक हो, और उससे ज़्यादा स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कैसे अपना खुद से आप मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हैं, जैसे कोई स्टॉक लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करता है तो आप उस स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकालिए और उसके बदले जो दूसरे सेक्टर के लीडर स्टॉक हो, मतलब जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर अच्छे स्टॉक हो, लीडर स्टॉक हो, उसको ऐड कीजिए जो परफॉर्म कर सके। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है कि पोर्टफोलियो में पहले ऐड करना है अच्छे अच्छे स्टॉक को जो लीडर स्टॉक है। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है कई सालों तक तो हम उसे निकालेंगे और दूसरे जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं उसे ऐड करेंगे। वो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? वो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ से पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। बस इसी के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस को करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को पता करने के लिए। उसके बाद बिजनेस देखते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, कैसा उसका रेवेन्यू होगा, कैसा वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो फटाफट हम इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। तो देखिए, पहला है पेटलाइट इंडस्ट्री। ये वैसे स्टॉक है जिसे बाय कीजिए और भूल जाइए। आप लंबे समय तक जब आप भूल जाते हैं तो आप जब कई सालों बाद देखेंगे तो ये स्टॉक निश्चित आपका बेटर परफॉर्म करेगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर परफॉर्म नहीं करता है तो निश्चित कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ी है। तो जैसे फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ी होता है तो आप इसे पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए, चाहे कोई भी स्टॉक हो। अभी करेंट प्राइस है 2132, जब भी गिरावट मिले तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा है एशियन पेंट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। करेंट प्राइस है 2950 रुपया। अभी देखते हैं मार्केट में तेजी है तो सारे स्टॉक भाग रहे हैं, तो जब करेक्शन हो, मार्केट में गिरावट हो, तो उस समय आपको ऐड करना है स्टॉक को। और ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में देखते हैं 70% रिटर्न। ये भी बाय एंड फॉरगेट वाले स्टॉक हैं, मतलब इन स्टॉक को आप चाहते हैं तो ऐड कीजिए और ऐड करके इसको लंबे समय तक रहने दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा ये स्टॉक। उसके बाद IRCTC काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये भी मतलब अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ये भी स्टॉक काफ़ी अभी महंगे रहते हैं, मतलब 4000-5000 तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। तो इसे भी बाय कीजिए और भूल जाइए, निश्चित है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा ये स्टॉक भी। उसके बाद अगला है एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। जैसे आपको कोई स्टॉक पसंद नहीं आता, जैसे एशियन पेंट नहीं आता है, तो आप बर्जर पेंट या इंडिगो पेंट, जो भी हो आपको दूसरा उस सेक्टर से स्टॉक पसंद आता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। उसी तरह एवेन्यू सुपरमार्ट, अगर आपको ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा जो वी मार्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। लगता है कि वी मार्ट जो आने वाले समय में एवेन्यू सुपरमार्ट से ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो वो आप ऐड कर सकते हैं। करेंट प्राइस है 3194 रुपया। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सारे जो स्टॉक ऐड करवा रहे हैं हम आपको बता रहे हैं इस पोर्टफोलियो में, वो लॉन्ग टर्म के लिए है और ये सारे स्टॉक लार्ज कैप है, ब्लू चिप स्टॉक है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह से फंडामेंटल का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ उसके टेक्निकल एनालिसिस से आपको चार्ट पे पता होना चाहिए कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है। अब अगला स्टॉक है टाइटन, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, इसे भी आप बाय करके फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब अच्छे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में हमेशा देख सकते हैं, बेहतरीन रिटर्न देंगे। करेंट प्राइस है 1738 रुपीज। और ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है और जब भी गिरावट मिले देखते हैं, जब जब गिरावट आया है तब तब ये इसे आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद अगला है रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये भी स्टॉक जब भी मतलब गिरावट में मिले आप ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा आपके पोर्टफोलियो में। करेंट प्राइस है 2183 रुपया। और देखते हैं जब ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए 3442% का रिटर्न दिया है। और ये देख लीजिए यहाँ पर 2008 से लेकर के 2016 तक ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो इस तरह का कंसोलिडेशन फेज चलता है जब स्टॉक लंबे समय तक, जैसे अभी रिलायंस 2017 से रैली कर रहा है तो फिर से एक लंबे समय के लिए ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है।
और जब स्टॉक गिरावट मिले उस समय ऐड करते जाना है। अगला है रिलैक्सो फुटवेयर, करंट प्राइस है 1,105 रुपया। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है 7,695% का। उसके बाद अगला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। देखिए इस स्टॉक भारतीय एयरटेल का, इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही आपके पास नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका मिल रहा है आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे रिलायंस के बदले आपको मिल जाएंगे, जैसे BPCL है, मतलब जो उस पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है। लेकिन रिलायंस में सिर्फ पेट्रोकेमिकल नहीं, रिलायंस में रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी है, रिलायंस रिटेल की कंपनी, मतलब कई सारे बिजनेस है रिलायंस के। अब भारतीय एयरटेल इसका कोई भी अभी मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं, अगर जियो लिस्ट होता तो आप जियो ले सकते हैं। करेंट प्राइस है 545 रुपये। ये भी स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया। देखिए ये स्टॉक रैली किया तो देखिए काफ़ी लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद फिर से इसमें रैली आ सकता है। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाते समय जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक का बना रहे हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, मतलब वैसी कंपनियों जो अगले 10-20 साल तक अच्छा बिजनेस करे, बिजनेस में ग्रोथ दिखाए, वैसी कंपनियों के स्टॉक को ही आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। उसके बाद अगला है बजाज फाइनेंस, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, करेंट प्राइस है 6,086 रुपया। और ये स्टॉक देख सकते हैं 7% अप है एक दिन में, और मैक्सिमम ईयर में इससे ज़्यादा, मतलब पिछले 20 साल में इससे ज़्यादा कोई स्टॉक ने रिटर्न ही नहीं दिया है, 1,35,000% का। उसके बाद अगला स्टॉक है TCS। आप देखिए TCS जैसे है और जैसे बजाज फाइनेंस है, इस सब के बदले आप दूसरे स्टॉक ऐड करते हैं। बजाज फाइनेंस आप HDFC ले सकते हैं, और भी बजाज फिनसर्व है उसको ले सकते हैं इसके बदले, तो हर स्टॉक के ऑप्शन है यहाँ पर। TCS आप इन्फोसिस ले सकते हैं, SCL टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, L&T इन्फोटेक ले सकते हैं, कई सारे स्टॉक के ऑप्शन हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। इन सब स्टॉक के बदले में IT सेक्टर की लीडिंग कंपनी है TCS, आप इसे ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो को ये काफ़ी स्टेबल रखेगा, इस स्टॉक में आपको एक कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो देखिए TCS लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया है, 2,598% का, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद अगला है PVR। देखिए अगर आप सिनेमाघर ये सब को पसंद करते हैं तो लॉकडाउन खत्म होगा तो इन सब स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने मिलेगा। अभी स्टॉक देख सकते हैं जो है मात्र 1,400 रुपये का मिल रहा है, ये जो है लॉकडाउन से पहले स्टॉक 2,000 से ऊपर प्राइस का हुआ करता था, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है, जैसे बिजनेस नॉर्मल हो जाता है, थोड़ी सी इस कंपनी के ऊपर डेट है ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये स्टॉक निश्चित रूप से एक पूरी तरह से तेज रूप से भागने वाला है ये स्टॉक, तो उस समय आपको पकड़ना मुश्किल होगा। तो गिरावट में कभी मिलता है फिर 1,000-1,100 के आसपास तो ज़रूर बाय कर लीजिए, ऐसे आप उन सिचुएशन को नॉर्मल हो लीजिए तब बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर प्राइस में ही बाय करेंगे, सिचुएशन नॉर्मल होता तब बाय करेंगे, क्योंकि अभी कोई निर्धारित समय नहीं कब सिचुएशन नॉर्मल होगा, कब ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, कब इसे समय मिलेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट में गिरावट हो तो ये स्टॉक 500 रुपीज़ तक भी गिर सकता है। उसके बाद अगला है बजाज ऑटो। अगर ऑटो सेक्टर में आप लेना चाहते हैं तो आयसर मोटर ले सकते हैं जो कि मोनोपोली बिजनेस रखता है, लेकिन बजाज ऑटो भी उस मतलब आयसर मोटर से कम नहीं है। अगर चार्ट देखिएगा तो देखिए सारे ऑटो इंडस्ट्री लगभग 3 सालों से अंडर परफॉर्म थे, काफ़ी चार्ट उसका गिरा हुआ मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक में देखिए कुछ खास गिरावट देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ ये साइडवेज था। लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, आप हीरो मोटर कॉर्प ले सकते हैं, मारुति सुजुकी ले सकते हैं, टाटा मोटर्स ले सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं जिस स्टॉक को आप ले सकते हैं बजाज ऑटो के बदले। बजाज ऑटो भी अच्छी स्टॉक है। अगला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, इस स्टॉक में भी कई सारे ऑप्शन हैं। FMCG सेक्टर में आप HUL ले सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर ले सकते हैं, मैरिको ले सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था FMCG सेक्टर के बारे में। करेंट प्राइस है 3,576 रुपीज़, और ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, और आने वाले समय में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न है, क्योंकि इस बिजनेस के भी प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली रखता है, 3,951% का रिटर्न। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है उस पर की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर से कैडिला हेल्थ केयर ले सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर जो कि मैंने आपको काफ़ी बार रिकमेंड किया, कैडिला हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा। जिसने 7,800% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, ये भी स्टॉक देखिए काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर गिरावट में था और यहाँ से कमबैक किया, जिसने कितना सॉलिड किया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं, सिप्ला ले सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस है फार्मा सेक्टर में, आप उन स्टॉक्स को ले सकते हैं। अगला है इन्फो एज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, करेंट प्राइस है
4732 रुपीज़। और ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ ये याद रखिए, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां, ये टेक्नोलॉजी में भी है और फूड में भी है, क्योंकि ये जोमेटो फूड जो है उसकी पेरेंट कंपनी है, naukri.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, ये सारी कंपनियां। तो जो आईटी सेक्टर कंपनियां हैं वो काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि उसके कंपटीटर जो काफ़ी सारे होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ऐप आ जाए जो इसके मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको ज़्यादा टक्कर दे दे, उस सिचुएशन में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट डिक्रीज होगा। जैसे फूड सेक्टर है, जोमेटो को कोई दूसरा कंपनी बीट कर दे तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आईटी कंपनियां काफ़ी कंपटिटिव बिजनेस है इसका, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना है। तो ये स्टॉक रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन देते हैं। देखिए मैक्सिमम ईयर में ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है 3000% का। तो ये स्टॉक रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देते हैं, साथ साथ ये स्टॉक काफ़ी रिस्की भी होते हैं, तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है आरती इंडस्ट्रीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल सेक्टर अभी पिछले 10 सालों से काफ़ी परफॉर्म किया है, तो हो सकता है यहाँ पर केमिकल सेक्टर जो अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। करेंट प्राइस है 1827 रुपीज़, लेकिन ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर केमिकल सेक्टर इसी तरह से परफॉर्म करता रहे। देखिए 33000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन सारे स्टॉक है। अगला है इंटर ग्लोबल एविएशन, अगर आप फ्लाइट में जाते हैं, अगर आपको इंटर ग्लोबल एविएशन के फ्लाइट पसंद आते हैं तो आप इसके स्टॉक ले सकते हैं। निश्चित है जो आपको पसंद आते हैं दूसरे लोगों को भी पसंद आएंगे, तो निश्चित है ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको। और ऐसे भी इस सेक्टर में बहुत ही कम इसके कंप्यूटर हैं जो कि अच्छे मतलब लिस्टेड स्टॉक हैं। ये सारे स्टॉक हैं जिस सेक्टर से आप एक एक स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जो भी सेक्टर आप बच गया, जैसे मीडिया सेक्टर, उसमें आप TV18 ब्रॉडकास्ट को ले सकते हैं। TV18 ब्रॉडकास्ट वो भी अच्छे स्टॉक है, अब कभी भी गिरावट मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, या जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं उसको ऐड कीजिए, और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है पोर्टफोलियो में उसे निकालिए, और जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म करने वाले आपको लग रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसका बिजनेस स्कोप आगे अच्छा है, उसको ऐड करिए। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए, और पोर्टफोलियो से जैसे जैसे जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करें उसको समय समय पर निकालते रहिए, और जो परफॉर्म करें उसमें हो तो और ऐड करते जाइए क्वांटिटी को। तो बस सिंपल यही पोर्टफोलियो का रूल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इसके बावजूद अगर आप पोर्टफोलियो को बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ले सकते हैं। हम आपको वहां पर पोर्टफोलियो बना कर देंगे, साथ साथ आप पोर्टफोलियो को कैसे मॉनिटर करेंगे वो भी बताएंगे, और पोर्टफोलियो को किस बेसिस पे आपको लेना है, कौन सा स्टॉक ये भी बताएंगे, अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तो उसके बदले कौन सा ऐड करना है ये भी बताएंगे, मतलब पूरा डिटेल आपको स्टॉक का देंगे, साथ ही साथ उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है वो भी बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक और शेयर करना है, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।